सर सर ये संजय सिंह जी अभी यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर ज्ञान की बातें कर रहे थे, अच्छी बात है, मगर साथ साथ में उनकी जरा जीभ जरा कहीं घिसर गई और उन्होंने 70,000 करोड़ और हमारे एक पार्टी के नेता के बारे में भी नाम लेके वापस लिया, मगर यहाँ बोल चुके हैं, इसलिए कुछ तो रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी ना। संजय भैया, आप और आपकी पार्टी और आपके नेता और जो आपके साथी बैठे हैं वो केवल और केवल यहाँ तक पहुँचने में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में एक हमारे महाराष्ट्र के पुराने बुजुर्ग नेता को पकड़ के लाकर इन सब लोगों को और हम लोगों को बदनाम करके आप यहां पर बैठे हैं, कैसे संजय 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 आपने संजय संजय अगेंस्ट करप्शन नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट व्हाट मिस्टर पटेल सब लोगों के अगेंस्ट नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड किसके अगेंस्ट में गया आप किसके वजह से आए आपने बोला किसके वजह से आए सर मिस्टर नागर यहाँ अरे संसद पर बैठने का अधिकार केवल कांग्रेस पार्टी और उस वक्त की हमारी यूपीए सरकार को बदनाम करके आप यहाँ बैठे हो कैसे बोल रहे हैं आप नथिंग नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट व्हाट मिस्टर प्रफुल्ल पटेल से नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड प्लीज संजय 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 टेक योर सीट नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मिस्टर पटेल इन्होंने हमारे पार्टी का नाम लिया इसलिए रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा नहीं कर रहे हो रिस्पॉन्ड नहीं नहीं व्हाट आर यू डूइंग यू डोंट वांट योर स्पीकर टू स्पीक सर ही इज टेकिंग योर टाइम दैट हैज बीन गिवन बाय लीडर ऑफ द हाउस यू आर इंटरप्टिंग हिम फॉर व्हाट गुड पर्पस सर लेट एवरीवन एक्सप्रेस वी हर्ड संजय पेशेंटली Sir, Sanjay leveled many salvos. You only have to read your speech. So listen to it. No, listen to it. हाँ तो आपने हमारा पार्टी का नाम लिया, हमारे पार्टी के नेता का नाम लिया, कैसे बोल सकते हो नहीं लिया? But no, no, nothing. आपने लिया ना भी? हाँ तो आपने किसका लिया? 70,000 करोड़ का अगर सिंचाई घोटाला आपको लगता है? Nothing will go on record. जो घोटाला जिन्होंने किया उनके साथ क्यों बैठे हो? ओके 70,000 करोड़ के एक मिनट अब क्योंकि रिकॉर्ड स्ट्रेट हो जाना चाहिए सर रिकॉर्ड भी स्ट्रेट हो जाना सत्तर एक मिनट 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है बोलने वाले तत्कालीन तब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ये 70,000 करोड़ की शुरुआत की कोई इधर से शुरुआत नहीं हुई थी और आपने आपने हमारे एक बुड्ढे बाबा जी को यहाँ बुलाकर आपने उनके कंधे पर बंदूक चलाकर हमारे पार्टी को और हमारे नेताओं को बदनाम करने का काम किया छोड़ दीजिए आपको मालूम नहीं है नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड संजय नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड आपने क्लीन चिट दे दिया ना क्यों आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन क्यों चालू किया था संजय आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन संजय आपने चालू किया था संजय संजय नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड अरे संबोधन सर ही मेंशन माय पार्टीज नेम टेक योर सीट इनडायरेक्टली यस मिस्टर पटेल ही टुक माय पार्टी लीडर्स नेम इनडायरेक्टली एंड वन लीडर्स नेम डायरेक्टली So I have every reason to respond and I have every right to respond. I cannot allow somebody to make an allegation and standing here allow that allegation to be allowed. No, I will not allow that. And sir, jitna kam bole utna achha hai. Sab, are koi bhi bole, aap to hamare partner rahe na. Pradhanmantri ne nahi, pehle aapke mukhyamantri ne shuru kiya. Chodo. अभी वो हमारे पास बहुत भाषण है भैया आपके सर इसलिए ये संविधान की बातें ये सब कम करें
कोई संविधान खतरे में नहीं, अब इनके पास और कोई, इनका अस्तित्व खतरे में था, इसलिए इस देश के नागरिकों को, हमारे एससी एसटी, हमारे जो ओबीसी थे, उनको बरगलाने का, बहकाने का काम ये लोगों ने किया, केवल उनका उपयोग किया है। क्या बात कर रहे हैं ये लोग, कौन हटा रहा है संविधान को, कौन बदल रहा है? अभी आप राम मंदिर की आपने बात की, प्रशंसा की, मैं ये विषय निकालने वाला नहीं था, अभी यहाँ बात निकली और आपने भी प्रशंसा की। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये भारत के संविधान की ताकत है, भारत की यहाँ पर जुडिशरी की फेयरनेस है कि उन्होंने फैसला किया कि यहाँ पर मंदिर बनेगा और वहाँ पर मस्जिद बनेगा, सरकार ने या किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया, तो उसका आप कैसे कह सकते हो? और हमारे संजय भैया भूल गए कि हमारे बाला साहेब ठाकरे साहब ने ही कहा था कि मुझे गर्व है मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को गिराने का काम किया। ये बोलने वाले हमारे महाराष्ट्र के बाल ठाकरे साहब थे, तो आप बोलो ना कम से कम कि आपको गर्व है। अभी क्यों नहीं बोलते हो? पहले तो गर्व से बोलते थे। सर बहुत टोका टोकी की वजह से समय की पाबंदी मैं नहीं रख सकूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि संजय राउत साहब ने कम से कम इतना तो स्वीकार कर लिया कि बाला साहेब ठाकरे ही वो एक नेता थे जिन्होंने छाती चौड़ी करके कहा कि बाबरी मस्जिद को मेरे शिव सैनिकों ने गिराया था। उन्होंने ये कहा था कि नहीं? और इसीलिए आज आप परेशान हैं। मिस्टर पटेल एक सेकेंड, नथिंग गोज ऑन रिकॉर्ड जॉन ब्रिटास, nothing goes on record, it's a length power being misutilized. Yes, please continue. Sir, I am only stating the obvious. I am not, maine koi bhi cheez, oh shut up. Sir, I am saying something which he cannot deny. अगर वो डिनाई कर ले तो बात आप बोल दीजिए कि मैंने गलत बोला है, ये रिकॉर्डेड है, अखबारों में है, टेलीविजन में आप कहेंगे तो ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूँ। मेरा आपसे सभी से निवेदन यही है कि सरकारें बनती हैं लोगों के वोट के माध्यम से, लोगों के समर्थन के माध्यम से, और आज वो तो आपने जवाब देना चाहिए कि आप तो इनके साथ बैठे थे, अचानक हमारे साथ कैसे आ गए? आप तो लास्ट आदमी बोलने वाले होना चाहिए कि पूरा इनके साथ लड़े और बाद में उधर चले गए और फिर अभी हमको पूछ रहे हो। हे राम प्लीज। चलिए अब बहुत कुछ हो गया, अब अभी चलिए राजनीतिक टोका टोकी बंद करते हैं। आपको जितना मुझे कहना था कह दिया, और संजय भैया ने भी जिनके साथ नई संगत, उनके साथ जिनके साथ उनका इतना प्यार हो गया है, उनके खिलाफ में क्या क्या उन्होंने और उनके नेता ने बोला, जिसके माध्यम से आज संजय भैया यहाँ पर पहली रो में बैठे हैं, उनको मेरे को खाली याद कराना था। अभी आप चिंता मत करो, अभी आ जाते हैं काम के बातों पे कि जो विकास की बात है, देश की जरूरतों की बात है। अभी ये हो गया है, जितना भी बोलना था टोका टोकी हो गई। अभी सर, अभी हमारे देश में जो उन्नति हुई है, 10 साल में जो उन्नति हुई है, इसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो देश में तरक्की होती है
वो हर नागरिक एहसास करता है, हर क्षेत्र का नागरिक एहसास करता है। आज जिस तेजी के साथ पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हर तरह से रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, बाकी के बिजली, रिन्यूएबल एनर्जी, आप जो भी कहिए, आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट को कोई अंडरमाइन करना, कम कहना, ये ठीक नहीं होगा। आज देश में इतने बड़े पैमाने पर घर बन रहे हैं, करोड़ों लोगों को घर मिले, 3 करोड़ से ज़्यादा, और अगले 5 साल में 3 करोड़ घर और बनने जा रहे हैं, ये बात की भी सरकार ने गवाही दी है, इसकी शुरुआत की है। साहब, स्वास्थ्य के मामले में हमारे देश में कभी मुझे तो ऐसा नहीं लगता था कि एक दिन आएगा कि गांव में रहने वाला गरीब आदमी, अगर उसको हार्ट का ऑपरेशन करना पड़े या कोई बड़ी बीमारी का कोई इलाज कराना हो, तो उसके पास पैसा कम से कम अभी घर बेचे बिना या ज़मीन गिरवी रखे बिना आ सकता है, और वो इलाज कर पाएगा कि नहीं, हो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। सरकारी हॉस्पिटलों में जाकर क्या हालत होती है ये आप भी जानते हैं। लेकिन आज आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपये तक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप कहीं भी इलाज करा सकते हैं, और इतना विकास हुआ है स्वास्थ्य के माध्यम के क्षेत्र में। आज छोटे छोटे, आप कभी, हमको लगता नहीं था कि 25-50 हज़ार गांव के शहर, लोकसंख्या के शहर में, आज वहां पर एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी होती है, लोगों के घुटने बदले जाते हैं। इतनी हेल्थ केयर में एक व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर अंडर व्हाट रूल? अभी प्रियंका जी जरा कम बोले तो अच्छा है। प्रियंका जी रूल, प्रियंका जी अंडर व्हाट रूल? Sir Mike, 240, irrelevance or repetition. And the chairman, after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition, either of his own arguments or of the arguments used by other members in the debate, may direct him to discontinue his speech. And I will also request you, sir, for the, all the extra time that is going out of others, it should be deducted out of the BJP account. Yes. This is my request to you, sir, but this is irrelevant, repetitive, and going on responding to other member. You'll have to take that call, sir. Honorable Chair has already agreed that he will be allowed to speak and that time will be deducted from the BJP quota. What? अंगूर खट्टे हैं प्रियंका जी के, क्या है, क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? चलिए छोड़िए, आपको आपको मुबारक। सब इतना किसानों के मामले में हम लोग बात करते हैं, हम यूपीए की सरकार में थे और हमारे नेता शरद पवार जी यशस्वी कृषि मंत्री थे, और उनके समय पर हमारी सरकार उस तक की 72,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी किसानों की थी वन टाइम 10 साल में, और उसका इतना मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था पूरे देश में, और पॉलिटिकली भी कहिए या किसानों को मदद के लिए भी। आज हम लोग भूल जाते हैं सर कि केवल 4 साल में किसान सम्मान निधि के माध्यम से 3,20,000 करोड़ रुपया किसानों को मिल चुका है, और हर सालाना वो रकम, हर सालाना 80,000 करोड़ रुपये और मिलती जाएगी। आज डायरेक्ट ट्रांसफर है, मतलब एक बार 72,000 करोड़ की इतने बाजा गाजा हुआ, और आज 3,20,000 करोड़ रुपया और निरंतर जारी योजना के बारे में हम लोग बोलते हैं कि किसानों के लिए क्या हो रहा है, ये बात भूलना नहीं चाहिए। और संजय राउत साहब, हमारे महाराष्ट्र में 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि केंद्र की आती है, 6,000 रुपया वहां की महायुति सरकार भी किसान के खाते में जमा कर रही है, तो इसको ऐसा हल्का पुल्का कुछ भी कह के मलना ठीक नहीं होगा। आज साहब मैं थोड़ा महाराष्ट्र के भी बारे में बोल दूं, क्योंकि वक्त के हिसाब से थोड़ा महाराष्ट्र का एक दो इश्यूज हैं। हमारे किसान वहां पर आज गर्व महसूस कर रहे हैं। परसों बजट हुआ, 14
हजार करोड़ रुपए की योजना करके पूरे बिजली के पूरे महाराष्ट्र के किसानों की बिजली के बिल माफ हो गए और आगे आने वाले 7.5 हॉर्स पावर तक का उसको बिजली फ्री मिलेगी, दिन में मिलेगी। ये फैसला हमारे सरकार ने वहां पर किया है और इसीलिए देखिए बदहजमी तो होना स्वाभाविक है। कोई अच्छा काम होगा, अच्छे का तो विरोध आप कर नहीं सकते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसानों के हित में चाहे राज्य की हमारी सरकार हो या केंद्र की हमारी सरकार हो मोदी जी के नेतृत्व में, ये हमेशा किसानों के लिए सोचती है, काम करती है, ये आपको समझना चाहिए। एक प्याज की बात भी मैं बता दूंगा। प्याज में हम लोगों को हमेशा किसान के मामले में या ग्राहक के मामले में चिंता होती है, स्वाभाविक भी है। मेरी जरा एक रिक्वेस्ट भी है सरकार से कि प्याज के मामले में एक परमानेंट मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है कि कहीं महंगा होता है तो ग्राहक उपभोक्ता के आंख में आंसू आता है, दाम गिर जाता है तो हमारे किसान के आंख में आंसू आता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई हम लोग मैकेनिज्म बनाए ताकि हमारे किसानों को जो इस मामले में पीड़ा होती है इसको हम परमानेंटली दूर कर सके, इसके बारे में भी हमको सोचना होगा। आज देश की कितनी सारी महत्वपूर्ण योजना, 80 करोड़ लोगों को अनाज तभी दिया जा सकता है जब हमारे देश का किसान इतनी बड़े मात्रा में पैदावार कर रहा है और हमारे देश का आज जो कृषि उपज है ये विश्व में आज हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं लाखों लाखों करोड़ का, ये कोई छोटी बात नहीं है सर। और इसलिए अंत में इतना ही कहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब बोलेंगे ना, बिल्कुल मेरे को पूरा अनुभव है, पूरा अनुभव है। आप बहुत चिंता मत करिए, वो वहाँ से ही तो तकलीफ ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। इसीलिए मैं सर नीरज जी क्या दर्जा है सुरेंद्र जी, नीरज जी, नीरज जी, सुरेंद्र जी, सुन प्लीज प्लीज, नीरज जी सुन प्लीज प्लीज, खड़गे जी, साकेत जी आप अपने सीट पे जाइए, आप अपने सीट पे जाइए, साकेत जी आप सीट पे जाइए, बैठिए बैठिए, नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी प्लीज बैठिए बैठिए, वाइस चेयरमैन नदीमुल जी, नदीमुल जी आप बैठिए प्लीज, वाइस चेयरमैन सर और खड़गे जी, खड़गे जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब और नड्डा साहब, हमारी रिक्वेस्ट है, मतलब आप सभी को, किसी एक के लिए नहीं है, रिस्पेक्ट सबकी रहनी चाहिए। प्लीज डू नॉट टॉक लाइक दिस विच बिकम्स लाइक ए लाफिंग स्टॉक फॉर द होल कंट्री, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। मुझे कोई आई एम मेकिंग माई पोलिटिकल पॉइंट्स, आपको टोका टोकी करने की जरूरत नहीं है। उनको किसको बोलना है, ऐसा नहीं होता है। देखिए सर, आज हमारे देश का पूरे विश्व में आज एक विशेष स्थान बना है और ये सभी लोगों की खून पसीने की मेहनत की ये कमाई है। सरकार की कमाई तो है ही, लेकिन इस देश के 140 करोड़ लोगों की भी तो कमाई है कि आज विश्व में हमारे भारतीय आज चाहे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप देखिए तो अव्वल स्थान पर आज जाकर वहाँ बैठे हैं। इतना कम बोले कि भारत का मूल निवासी तो नहीं कह सकता, लेकिन भारत के मूल निवासियों का सुपुत्र हमारे यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, आयरलैंड के बन सकते हैं और देशों में बन सकते हैं, ये भारत के, और बड़ी बड़ी कंपनियों को, विश्व स्तरीय जो बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं उसको भारतीय हेड करते हैं। और बहुत बड़ी एक बात है कि जो प्रधानमंत्री जी कई बार स्किल मैन पावर की डेवलपमेंट की बात करते हैं, आज इतना स्किल्ड मैन पावर हिंदुस्तान से बाहर जाकर काम कर रहा है कि 110 करोड़ बिलियन डॉलर हर साल
इनवर्ड रेमिटेंस हमारे भारत में आ रहा है ये किसी भी देश के मुकाबले, चीन के मुकाबले भी दो गुना ज्यादा है। तो ये सब बातों को, ये उपलब्धियों को, बहुत सारी बातें हैं, मैं नहीं कहना चाहूँगा ज़्यादा वक्त लेते हुए, लेकिन इतना ही कहूँगा कि जो 10 साल का जो कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का यशस्वी रहा, इस सरकार का यशस्वी रहा, उसके बारे में राष्ट्रपति महोदया ने बहुत सारे पहलुओं पर अपने अभिभाषण में बात रखी है, और अगले 5 साल में जो उपलब्धियाँ हमने आज तक प्राप्त की है इसको और दुगनी गति के साथ और एक नए एक विश्व ऑर्डर के साथ कैसे हम आगे बढ़ा सके, हमारे देश के नागरिकों का भविष्य उज्ज्वल कैसे बना सके, ये उसमें रूपरेखा रखी गई है। कृपया करके सभी को, हर वर्ग के लोगों को, हर धर्म मजहब के लोगों को, हमारे महाराष्ट्र में हम लोग हमेशा कहते हैं कि शिव शाहू और फुले अंबेडकर, इनके आदर्शों पर विचारों पर चलने वाला हमारा महाराष्ट्र है, उसी तरह से हमारा देश भी उन्हीं आदर्शों पर आज चल रहा है, और मोदी साहब के नेतृत्व में जिस तरह से, जिस गति के साथ, क्योंकि जब देश का विकास होगा साहब तो हर धर्म मजहब जाति के व्यक्ति का, आखिरी व्यक्ति का विकास हुए बिना रहने वाला नहीं है। तो ये केवल राजनीतिक बातें, मैदान चुनाव का अब समाप्त हो गया है, ये पार्लियामेंट है, यहाँ पर हम देश के आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए, उज्जवल भारत के भविष्य के लिए हम लोग बात करें। आपको मेरा, आपने मुझे वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राष्ट्रपति महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद।